हमारे नए घर के लिए दरवाजे का जो बाजू होता है वो भी आ गया पांच आ। और दोस्तों हमारा नया घर बनना बंद हो गया है, तो आज आप सभी को बताने वाले हैं कि हमारा नया घर बनना क्यों बंद हो गया है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी सुबह का वक्त है और बहुत तगड़ी ठंड पड़ रही है, अभी 9 बज रहा है और ये देखो कितना भयानक कोहरा है, बहुत तगड़ा ठंड पड़ रहा, कोहरा भी बहुत जबरदस्त है। हम लोग का जो ये पुराना लकड़ी है ना, इससे एक फायदा ये हुआ कि हम लोग को लकड़ी का पैसा नहीं देना है, दो मिस्त्री लोग आए हैं उनका केवल जो मजदूरी है वो बस देना रहेगा, और एक तख्ता भी बनेगा। तो इधर से पटरा निकाल रहे हैं, ये रहे मिस्त्री जी, एक यहाँ पर हैं और वो देखिए काट रहे हैं पावा, एक और हैं, ये देखिए आप लोग ये करंट से चलता है, ये अब तक काट दिए होते ढेर सारा, लेकिन हम लोग के यहाँ लाइटें नहीं बराबर रहता। अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं और ये देखो सूर्यदेव जी का दर्शन हो गया, थोड़ा बहुत ठंड कम हुआ और अभी भी आग जली रहा, सुबह से काफी लकड़ियां हम लोग जला चुके हैं और ये देखो रंधा वंधा किए हैं तो इतना सारा दोस्तों ये देखो ये निकला है, जलाने के काम आएगा, ये मजा आएगा ठंडी में। चारों पाव तैयार हो गए मिस्त्री जी? मिस्त्री जी अभी जो चौकी का फ्रेम व्रेम होता है सब बढ़िया से एकदम तैयार कर रहे हैं। यहीं रख देते हैं, बस हमारा चौकी भी दोस्तों तैयार होने ही वाला है, ये देखो नीचे का तैयार हो गया, अब बस ऊपर जा रहे हैं पटरा लगाने, उसके बाद किली ठोक देंगे तो अपना चौकी भी तैयार हो जाएगा। हम लोग इसे गांव में तख्ता बोलते हैं। और आकृति को देखो लकड़ी का चूरड़ वगैरह ले जाकर खेलने जा रही है। क्या बनाने जा रही है? अच्छा अच्छा, अभी देखो लाइट है तो मिस्त्री जी बोल रहे हैं अभी चौकी बाद में बनाएंगे, सबसे पहले खिड़की वाला जो लकड़ी होता है उसको काट लेते हैं। तो देखो चार काट लिए हैं और अभी काट रहे हैं, और ये देखो ये कटर मशीन से काट रहे हैं तो आसानी हो रही है। ये खत्म, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कट जा रहा है, आरी बिलेट से काटना पड़े तो बड़ा टाइम लग रहा है। दोस्तों अभी शाम के 4 बज चुके हैं और ये देखो हम लोग के यहाँ ना महीने में एक बार बंदर अंदर आ जाते हैं ना, तो पूरा सब लोग घेर लेते हैं, देखो इतना बच्चे यहाँ पर आए हैं और ये देखो इतना सारे यहाँ पर आए हैं। हम लोग के यहाँ बंदर अंदर नहीं रहते हैं, कभी कभार आ जाते हैं। और दोस्तों ये देखो हम लोग का चौकी भी एकदम तैयार हो गया और ये खिड़की का लकड़ी वगैरह एकदम साफ कर रहे हैं। ये लोग खूब चिल्लाता है बंदर अंदर को देख कर, और बेचारा बंदर भी परेशान होता है, केवल एक बंदर आ गया इतना लोग घेर लिए, अभी गांव में चला जाएगा ना पूरा भीड़ लग जाएगा। दीदी जा रही है रोटी देने। ओहो ओह, अरे बाप रे। दोस्तों अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और आज और तगड़ी ठंड, कल से भी ज्यादा, कल तो लगभग 12 बजे के आसपास धूप निकल गया था लेकिन आज देखो कोहरा चारों तरफ और सूर्यदेव जी भी नहीं निकले हैं। और एक चीज दिखाएं दोस्तों, ये देखिए हमारे नए घर के लिए दरवाजे का जो बाजू होता है वो भी आ गया, 5 आ गया, अभी 2-3 और भी आना है। तो अभी देखो ठेले पर ले आए हैं, वो देखिए वो लाए हैं, अभी इसको लेकर चलते हैं घर में। पहले वाले को बढ़िया से रख दिए, अभी पूरा 4 लाना है, चलो उनको भी ले आते हैं। आप लोग देखो ये हमारा नए घर का जो दरवाजा है उसका ये बाजू है जिसके सहारे पूरा दरवाजा टिका रहेगा, तो आप लोग बताओ देखो कैसा लग रहा है। पूरा 4 बाजू ले आए हम लोग, अब लास्ट बचा है 5वां, उसको भी ले आते हैं, दोनों आगे पीछे ना हुए, ये रहा 5वां। और दोस्तों हमारा नया घर बनना बंद हो गया है, लगभग 2-3 हफ्ते से कुछ भी काम नहीं हुआ घर में, तो आज आप सभी को बताने वाले हैं कि हमारा नया घर बनना क्यों बंद हो गया है, क्यों 2-3 हफ्ते से कुछ भी काम नहीं हुआ है घर में, जबकि दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी हमारी शादी होने ही वाली है तो घर बनना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका एक रीज़न यही है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो मेन रीज़न यही है कि पिताजी जो हमारे हैं ना
वो क्या है कि गांव में काम करते हैं, जैसे घर जुड़ाई का जो काम होता है वो गांव में काम करते हैं, तो उनको काम जो है बराबर नहीं मिलता गांव में। तो बात यह है कि पिताजी जब काम पाते हैं तो अपना काम बंद करके दूसरे का काम कर देते हैं एक तरह से, मतलब जो मजदूरी होता करने का वो करते हैं, जो उनका खर्चा वगैरह निकल जाता है, घर का खर्चा वगैरह कुछ निकल जाता है, और हम जो YouTube पर आप सभी के प्यार और सपोर्ट से जो कमाई करते हैं वो हम घर में लगा देते हैं। जो कुछ भी हमारे घर में काम वगैरह लगता है, जैसे ईंट वगैरह लाना या फिर सरिया लाना या फिर गिट्टी मोरंग वगैरह वगैरह जो कुछ भी लाना रहता है, तो हम वो YouTube मनी से अपना उधर खर्च कर देते हैं, और पिताजी को जब काम मिलता है तो वो घर खर्च के लिए वो काम कर लेते हैं। तो इसीलिए काम बंद करना पड़ता है, चाहे एक हफ्ता तक बंद करना पड़े चाहे दो हफ्ता तक बंद करना पड़े, तो ये थोड़ा मजबूरी हो जाता है हम लोग का। इसीलिए दोस्तों 2-3 हफ्ते से काम बंद है घर में, बिल्कुल भी कुछ काम नहीं हुआ है। अभी रात के 7 बज चुके हैं और दिन भर बस एक ही काम है दोस्तों इस समय, ये देखो दिन भर कौड़ा तापो, बस यही आग के सामने बैठे रहो। करे भी तो करे क्या, इतनी भयानक ठंड है, 5-6 डिग्री। आकृति खा लो, हम खाए हैं, क्या गुस्सा क्यों कर रही है? नेटा चू रहा है। जा नेटा पहले सही कर। अरे बाप रे, देखो दे। हम लोग का जो बीम का ढलैया हुआ था उसके बगल में जो ईंट लगा था ना, सारा ईंट निकाल दिए हैं। इधर हम लोग वो बनाए हैं जहाँ पर मसाला बनाया जाता है, क्योंकि जो हम लोग का नीचे वाला फर्श था मसाला जहाँ पर बनाया जाता था वो तो दब गया, तो उधर एक दिन सड़क पर बन रहा था। जब हम लोग का बीम का ढलैया हुआ था तो सड़क पर बना था, और इस बार हम लोग यहाँ पर ईंट वगैरह बिछा रहे हैं, और देखो थोड़ा सा बचा हुआ है, पूरा बिछा देंगे ना तब मसाला बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। चोट ना लग जाए इसको बिचारी को। ओहो, लो चलो चलो, दो ईंट ले जा पाएंगे क्या एक हाथ से? ऐसे 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 ले जा पाएंगे इस? ऐसे देखते हैं, पता क्या। आहा, दो ईंट चला जाएगा ऐसे, बहुत लेकिन बहुत ताकत लग रहा है इस तरह से दो ईंट ले जाने में। देखना चोट ना लग जाए ना कृति ना लाला, आराम से ठीक है। ऊपर ऊपर देखो, मुंह पे गिरा लेगी पगली ये। कृति सुन ना, पहले सुन ना, ये छड़ में किसने फंसाया है? अच्छा दोनों दीदी ने फंसाया है। झगड़ा करते करते हड्डी तोड़ दी, अरे बाप रे, मत मार। चल लाला, चल हो गया चल। हम लोग पूरा ईंट दोस्त एकदम बराबर कर दिए। बाबू, अरे बाप रे बाप, ये जो टोपी कान में लगाना चाहिए ना वो डिब्बे में लगा रही है। बाबू दिखी, बाबू दिखी, दिखाओ बाबू को अपने, इनका बाबू है ये। इस पर मसाला बनेगा ना तो थोड़ा आसानी रहता है, क्योंकि मिट्टी रहता है ना तो पूरा मिट्टी उसमें मिक्स हो जाता है तो नुकसान होता है। और यहाँ पर आकृति आ गई खाना देखने, क्या बन रहा है? चलो दिखा रहे हैं सब्जी, आलू टमाटर की, ठीक है। जल्दी बंद कर रहा हूँ। और ये देखिए आप लोग, यहाँ पर पहले चारपाई रखा गया था सोने के लिए, लेकिन अभी ठंड की वजह से बहुत दिक्कत हो रहा था, क्योंकि दोस्तों सीधा सारा कोहरा जो है अंदर आ रहा था, तो बहुत ठंड लग रहा था और घर वाले एकदम परेशान हो गए थे, क्योंकि आप लोग को पता है कि हम लोग का अभी सोने होने का व्यवस्था जो है बहुत गड़बड़ चल रहा है, बहुत ही अभी खराब स्थिति है, मतलब पूरे गांव में सबसे बुरा स्थिति हम लोग का है, क्योंकि एक तो ठंड का महीना है, एक तो हम लोग का घर टूटा हुआ है, और अभी जब तक नया घर बन नहीं जाता तब तक हम लोग को सोने में बहुत प्रॉब्लम होगी, और भगवान ना करे कभी ऐसा दिन आए कि इस बीच में बारिश हो जाए, बाप रे पूरा एकदम सत्यानाश हो जाएगा। ये देखो आप लोग, इधर से पूरा पानी आएगा ना, सब यहीं पर आएगा, सब पूरा एकदम भीग जाएगा। और ये देखो हम लोग का टीवी जो है, ये टीवी काफी पुराना है, आप लोगों में से काफी सारे लोग जानते ही होंगे, मतलब ये टीवी जो है लगभग 10-15 साल पुराना तो होगा ही, इसका सब बटन वटन गायब है, देखो बस ये चल रहा है कैसे भी करके। हम लोग खाना पीना कर चुके हैं दोस्तों, और अभी हम चल रहे हैं सोने, और आज के इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं।
अगर आप सभी को ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कल से हमारे नए घर का काम शुरू हो जाएगा तो मजा आएगा। चलिए आप लोगों से मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।